हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ, बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और यूनिक वीडियो, जिसमें कि आपको बिहार पुलिस के रिगार्डिंग जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट आने वाली है 2024 के लिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 24,000 सीट्स के ऊपर वैकेंसी आएगी, जिसमें से आपको 2,000 सीट्स एसआई के लिए रहेंगे, ड्राइवर के लिए पोस्ट रखा गया है, कांस्टेबल के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस के अंडर जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आने वाली है अपकमिंग ईयर यानी 2024 के लिए। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, उसी के ऊपर हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, क्या सब कुछ रखा गया है। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के अंदर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आएगी, जिसमें टोटल पोस्ट जो आपका रखा गया है 19,469 सीट्स आपको कांस्टेबल के लिए रखा गया है। फॉर्म फी की बात करें तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट से लिया जाएगा 675 रुपीज, एससी एसटी से 180 रुपीज यहाँ पर फॉर्म की फी ली जाती है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of January 2024, मिनिमम होना चाहिए 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, बीसी और ईबीसी को 3 ईयर्स का एंड एससी एसटी को मिलता है यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सिंपली अगर आपने 10+2 पास कर रखा है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, डजंट मैटर व्हाट इज योर परसेंटेज इन 10+2, आपने पास कर रखा है तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। फर्स्ट आपका होता है रिटन एग्जाम, ऑफलाइन पेपर होता है, पेन एंड पेपर मोड पे होता है। सेकेंड रहता है आपका फिजिकल, देन होगा आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो इसके लिए क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए, टाइम मिल जाएंगे आपको 2 आवर्स के, और इसमें कोई सा भी ना निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। चलिए अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं, कितने कितने मार्क्स के लिए। जनरल नॉलेज का आपका 40 क्वेश्चन का पेपर होगा 40 मार्क्स के लिए, करेंट अफेयर्स 5 क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क्स के लिए, साइंस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, हिंदी के 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए एंड इंग्लिश के 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए, लास्टली आपका मैथ्स का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल आई होप कि एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गई होगी। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, समय दिया जाएगा 2 घंटे का और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो एग्जाम के बाद होगा आपका फिजिकल। तो आइए हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, फिजिकल का भी आपको मार्क्स ऐड होता है, कुछ मार्क्स के लिए लिया जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल में किस चीज़ का कितना नंबर आपको मिलेगा। रनिंग होता है आपको 50 मार्क्स का, शॉर्ट पुट होता है 25 मार्क्स का एंड हाई जंप होता है 25 मार्क्स का। आइए अब देख लेते हैं हम लोग की हाइट क्या रखी जाती है। तो हाइट की बात करें तो जनरल एंड बीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट है 165 सेंटीमीटर, ईबीसी एंड एससी एसटी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर एंड फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड रहेगी 155 सेंटीमीटर। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जनरल बीसी एंड ईबीसी का 81-86 सेंटीमीटर एंड एससी एसटी के लिए 79-84 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये आपका पीएसटी हो जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देन होता है आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, मतलब आपका शारीरिक क्षमता जो होता है ना उसका परीक्षण किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, रनिंग जो होती है मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर्स की रनिंग होती है, 6 मिनट्स में उसको कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स के लिए ये रनिंग 1 किलोमीटर्स की होती है एंड 5 मिनट के अंडर उसको कंप्लीट करना होता है। रही बात की शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक, तो मेल कैंडिडेट्स को 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है, फीमेल कैंडिडेट्स को 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होता है। हाई जंप मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा 4 फीट का एंड फीमेल्स के लिए होगा 3 फीट का। तो फ्रेंड्स,
आपको मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, तो इसको आप क्रॉस करोगे तो आपका सिंपली ना एक डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपको जो सैलरी मिलती है इनिशियली 21,700 रुपीस, एंड आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस और पर ईयर के इंक्रीमेंट के बाद आपको 69,100 रुपीस सैलरी मिलती है। अब रही सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, जो पिछला बिहार पुलिस का अभी वैकेंसी आया था, तो फिर न्यू क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऑफिशियली बता दिया गया है। अभी बहुत कुछ हो सकता है कि चेंज हो, जो कैंसिल एग्जाम है उसका न्यू डेट है, पर उसके बाद तो नई बहाली तो ली जाएगी ना, इसके रिगार्डिंग आपको अभी से ही इन्फॉर्म कर दिया कि ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। आपको वो ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और अगर इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो भर भर के लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय। I take care.